ओके इन दिस लेक्चर वी विल कैलकुलेट द वी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन तो आप रिकॉल करिए कि वी और गामा एल में रिलेशन क्या होता था पहले आप रिकॉल करिए कि वी क्या होता था इट इज़ द रेशियो ऑफ वी मैक्स टू वी मिन तो आप याद करिए कि ये जो वेव बनती थी वो कब बनती थी आप अच्छे से याद करिए कि सोर्स से लोड की तरफ एक वेव जाती थी एक वेव लोड से सोर्स की तरफ आती थी इन दोनों वेव को यदि मैं सम कर दूं, तो मुझे कुछ ऐसा करेक्टरिस्टिक मिलता था एंड दैट करेक्टरिस्टिक इज़ नोन एज वी एस डब्ल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें इसका ये मैक्सिमा कहलाता है ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कहलाता है मिनिमा कहलाता है तो इन दोनों मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो क्या कहलाता है वी इसका रिफ्लेक्शन कोफिशियंट के साथ हमने रिलेशन डिराइव किया है पिछले लेक्चर में आप देख लेना तो गामा एल क्या है रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है तो चलिए हम पहले ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन देखिए ट्रांसमिशन लाइन है इसका जो लोड इंड है वो क्या है ओपन सर्किटेड है तो ये बात पक्की है कि यदि ये, ये लोड इंड ओपन सर्किट है तो जेड एल की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट होगी जेड नॉट क्या है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है तो आप याद करिए कि यदि कभी भी इक्वेशन में एल इन्वॉल्व है यदि एल इन्वॉल्व है तो पक्की बात है हम ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं लोड से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको पढ़ते क्या है रिफ्लेक्शन कोफिशेंट कहाँ पर लोड पर इजिकल टू जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट रिफ्लेक्शन कोफिशेंट बताता किस बात को है इम्पिडेंस में मिसमैच को बताता है यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इम्पीडेंस में मिसमैचिंग है तो आप देखिए कि इस नंबर को आप देखिए तो ये आप ये आपको कैसा नंबर दिखेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा आप कभी भी रिफ्लेक्शन कोफिशेंट को रियल नंबर नहीं कहेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशियंट इज़ द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी तो चलिए देखिए जेडल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है इनफाइनाइट है तो ऊपर नीचे दोनों जेडल है इनको कॉमन ले लेते हैं तो वन माइनस जेड नॉट बाई जेडल डिवाइडेड बाई वन प्लस जेड जेड नॉट बाई जेडल इफ जेडल टेंस टू इन्फिनिटी यदि ये इन्फिनिटी हो गया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा जीरो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट कितना आ गया वन आ गया इस चीज़ का मतलब क्या है इस चीज़ का मतलब समझना है हमें कि जो भी एनर्जी यहाँ से जा रही है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी तो मैंने आपको कभी पहले भी बताया है कि ये लोड आपका किसकी तरीके से काम कर रहा मिरर की तरीके से काम कर रहा है ऑल द एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द लोडेंड तो चलिए इसके लिए वी एच डब्ल्यू आर कैलकुलेट करते हैं वी एच डब्ल्यू आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा गामा एल की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई तो इसका मॉड क्या होगा वन का मॉड क्या होगा वन होगा तो वन प्लस मॉड वन डिवाइडेड बाई वन माइनस मॉड वन तो ये कितना आ जाएगा ऊपर टू और नीचे कितना आ जाएगा ज़ीरो मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई इन्फिनिटी हो गई यानी कि यदि इस वी एच डब्ल्यू आर करेक्ट्रिस्टिक को आप देखिए इसमें मैक्सिमम पॉइंट तो है वी मैक्स और मिनिमम वैल्यू कितनी मिनिमम वैल्यू कितनी कौन से एक्सिस को टच कर रहा है जीरो तो वी मैक्स की वैल्यू तो है वी मिनिमम की वैल्यू कितनी है जीरो वी मैक्स वी मैक्स डिवाइडेड बाई वीम इन वीमिन की वैल्यू कितनी जीरो वी मैक्स डिवाइडेड बाई जीरो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा अच्छा दूसरी बात देखिए यहाँ पे मैंने ये क्या है लोड है लोड पे मैक्सिमम लगा के रखा है ऐसा क्यों कर रखा है ऐसा इसलिए क्योंकि ओपन सर्किट लाइन है ओपन सर्किट लाइन में करंट की वैल्यू तो जीरो होगी तो क्या होगा वोल्टेज कैसा होगा मैक्सिमम होगा इसलिए यहाँ पे मैंने वी मैक्स लिखा है प्लीज़ वी मैक्स क्यों लिखा है इसका प्रॉपर रीजन आपको समझना है क्यों लिखा है वी मैक्स ओपन सर्किट है बिल्कुल है यहाँ पे क्या होगा करंट की वैल्यू जीरो तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा वोल्टेज और वोल्टेज भी कैसा होगा मैक्सिमम टाइप में होगा चलिए दूसरी ट्रांसमिशन लाइन हम देखते हैं दैट इज शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है टू कंडक्टर सिस्टम है जेड नॉट क्या है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है लोड इंड इसका कैसे कनेक्टेड है शॉर्ट सर्किटेड है यदि कोई भी लोड शॉर्ट सर्किटेड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो होगी यदि इक्वेशन में फिर से मैं बोलता हूँ एल इन्वॉल्व है तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम हमेशा इसे लोड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन इसको पढ़ते क्या है गामा एल को गामा एल को पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशेंट एट लोड जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट फिर से याद करिए रिफ्लेक्शन कोफिशेंट किसको बताता है मिसमैच को बताता है किसके किसके बीच में मिसमैच को बताता है लोड और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के बीच में मिसमैच को बताएगा जेड एल की वैल्यू कितनी है जीरो तो जीरो माइनस जेड नॉट ओवर जीरो प्लस जेड नॉट जेड एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस वन तो माइनस वन का मॉड क्या होगा माइनस वन का मॉड क्या हो जाएगा माइनस वन का मॉड क्या हो जाएगा वन हो जाएगा मुझे यहाँ पे माइनस वन लिखना चाहिए था तो माइनस वन का मॉड क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो फिर से क्या मिला वन प्लस वन टू और डिवाइडेड बाई वन माइनस वन मतलब जीरो मतलब आंसर कितना आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा तो सोच के देखिए इसकी वी एस डब्ल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाएंगे तो देखिए क्या है ये वी एस डब्ल्यू आर करेक्टरिस्टिक है हमेशा कहाँ से बनाते हैं लोड की तरफ से बनाते हैं देखिए यहाँ पे क्या है शॉर्ट सर्किट किया है शॉर्ट सर्किट मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी वोल्टेज क्या होगा मिनिमम होगा तो देखिए लोड पर वोल्टेज को क्या बनाया हमें मिनिमा बनाया है वोल्टेज को मैक्सिमम क्यों नहीं बनाया क्योंकि मैक्सिमम तो करंट है ना कि वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है मिनिमम ओपन सर्किट जब हुआ था तो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम रखी थी तो देखिए ये वी एच डब्ल्यू आर करेक्टरिस्टिक है इसमें वी मैक्स की वैल्यू तो है मिन की वैल्यू कितनी है ज़ीरो तो इसका वी मैक्स डिवाइडेड बाई जीरो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा तीसरी तरीके की ट्रांसमिशन लाइन देखिए ये कहलाती है मैश ट्रांसमिशन लाइन मैच ट्रांसमिशन लाइन में देखिए इस ट्रांसमिशन लाइन का करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कितना है जेड नॉट इसका इसको टर्मिनेट किससे किया है टर्मिनेट किया है जेड नॉट से तो देखिए इसके लिए रिफ्लेक्शन कोफिशेंट कितना आएगा जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट इसको क्या पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशेंट लोड यदि इसको कैलकुलेट करूँ तो ये क्या आएगा ज़ीरो वी एच डब्ल्यू आर कितना आएगा वन प्लस मॉट जीरो डिवाइडेड बाई वन माइनस मॉट जीरो आंसर कितना आ गया वन आपको याद होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि इसको आप स्ट्रेच कर दीजिए यदि इसको आप स्ट्रेच कर दीजिए तो एक लाइन की तरीके से बन जाएगा तो यदि आपको ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिख गया कहीं पे भी वी एच डब्ल्यू आर वन दिख गया तो आप बिल्कुल समझ जाना कि ये कैसी ट्रांसमिशन लाइन है मैच ट्रांसमिशन लाइन है आपको हमेशा ये याद रखना है कि गामा एल कैसा क्वांटिटी है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और आपको हमेशा यहाँ पे मॉड गामा एल की वैल्यू रखना है ये कई कई बार लोग इसको ऐसा कर देते हैं वी एच डब्ल्यू आर इजिकल टू वन प्लस गामा एल डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा एल नहीं इसको वन प्लस मॉड गामा एल डिवाइडेड बाई वन माइनस मॉड गामा एल करना है तो इस लेक्चर में इतना ही होपफुली ये आपको समझ में आया होगा और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट थैंक यू वेरी मच